नमस्कार मित्रों, मारो प्रथम विडियो हतो एमा पाघड़ीनो अर्थ अने तेने असर करता परिबळो। आजे आ बीजो विडियो छे। बीजा विडियोनी अंदर हूँ तमने पाघड़ीना मूल्यांकननी पद्धतिओ विशे समज आपुं छुं। तो मित्रों, पाघड़ीनुं मूल्य कई रीते नक्की थाय, तो पाघड़ीनुं मूल्य नक्की करवा माटेनी कुल चार पद्धतिओ छे। चार पद्धतिमां प्रथम पद्धति छे सरेराश नफानी पद्धति, जेने बीजी भाषा में कहेवाय सादा सरेराश नफानी पद्धति। बीजी पद्धति छे भारी सरेराश नफानी पद्धति। त्रीजी पद्धति छे अधिक नफानी पद्धति। अने चौथी पद्धति छे नफाना मूडीकरणनी पद्धति। तो आ चार पद्धतिमांथी परीक्षामां कोई पण एक पद्धति आधारित दाखलो पूछाई शके। आ विडियोनी अंदर हूँ तमने प्रथम पद्धति छे सरेराश नफानी पद्धति एनी समझ आपुं छुं। तो मित्रों, सरेराश नफानी पद्धति जेनो बीजुं नाम छे सादा सरेराश नफानी पद्धति। एक अहींया नोंध लखी छे के जारे नफामां वधारो घटाड़ो थतो होय त्यारे आ पद्धति वपराय छे। नफामां वधारो घटाड़ो एटले प्रथम वर्षे नफो हतो 50,000, बीजा वर्षे नफो थयो 80,000, मतलब वधारो थयो। पछी नफो घटीने 70,000 थयो, पाछो नफो घटीने 40,000 थयो, फरीवार नफो वधीने 95,000 थयो। आ रीते जारे नफामां वधारो घटाड़ो थतो होय त्यारे ज आ पद्धति वपराय छे। खास मित्रों ध्यान राखशो, नफामां वधारो घटाड़ो, सतत नफो वधवो न जोईए के सतत नफो घटवो न जोईए। नफामां वधघट थती होय त्यारे आ पद्धति वापरवामां आवे छे। आ पद्धति मुजब बे स्टेप गणवाना होय छे। बे स्टेपनी अंदर प्रथम जे स्टेप छे ए छे सरेराश नफो। सरेराश नफो बराबर कुल नफो भाग्या कुल वर्ष, आ एक सूत्र छे। अने बीजू स्टेप छे पाघड़ी। पाघड़ी बराबर सरेराश नफो गुणिया पाघड़ीनी खरीदीना वर्ष। तो कुल आ बे सूत्रों आ पद्धति माटे तैयार करवाना छे। हवे हूँ तमने एक दाखलो द्वारा आ माहिती समझावु छुं। एक रकम आपी छे, नीचे आपेल अजय अने विजयनी भागीदारी पेढ़ीनी पाघड़ीनी किंमत छेल्ला 5 वर्षना सरेराश नफानी 4 वर्षनी खरीदीने आधारे गणवानी छे। पाघड़ीनी किंमत 5 वर्षना सरेराश नफानी केटला वर्षनी खरीदी, 4 वर्षनी खरीदीने आधारे गणवानी छे। वर्ष आपेला छे 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17। नफो आपेलो छे प्रथम वर्षे 84,000, पछी नफो छे 60,000, पछी नफो 80,000, ત્યાર પછી 68,000, અને પછી નફો છે 98,000। આમ મિત્રો, નફો 84,000 હતો, ઘટીને 60,000 થયો, પાછો વધીને 80,000 થયો, ઘટીને 68,000 થયો, વધીને 98,000 થયો। આ રીતે નફામાં વધઘટ થાય છે। નફો ક્યારેક વધે છે તો ક્યારેક ઘટે પણ છે। આમ નફામાં જ્યારે વધઘટ થતી હોય ત્યારે વાપરવાની આવે સાદા સરેરાશ નફાની પદ્ધતિ, એટલે સૂચનામાં સરેરાશ નફો આવો શબ્દ છે। હવે આ પદ્ધતિ મુજબ આપણે બે સ્ટેપ ગણવાના છે। આટલી રકમ આપેલી હોય છે એને આપણે સૌથી પહેલાં આ રીતે ઊભું કોષ્ટકમાં લખી દેવું। વર્ષ જે આપ્યા છે એ લખી દેવા, વર્ષ ક્રમમાં હોવા જોઈએ। જો ક્યારેક વર્ષ ક્રમમાં ન આપ્યા હોય તો આપણે ચડતા ક્રમમાં વર્ષ લખવા। ત્યાર પછી નફો આપેલો છે લખી દીધો। હવે આપણે બે સ્ટેપ ગણવાના છે। પ્રથમ સ્ટેપ છે સરેરાશ નફો। સરેરાશ નફો એનું સૂત્ર છે કુલ નફો ભાગ્યા કુલ વર્ષ। કુલ નફો આજે નફો છે એનો આપણે સરવાળો કર્યો તો એ સરવાળો થાય છે 390,000। કુલ નફો 390,000 જે અહીંયા લખવાનો છે। અને કુલ વર્ષ, ખાસ મિત્રો આ વર્ષ ક્યાંથી લખવા તે આજે આંકડા આપેલા છે એટલા વર્ષ લખવા, 1, 2, 3, 4 ને 5 વર્ષ છે એટલે અહીંયા 5 લખવાના। આ વર્ષ સૂચનામાંથી તમારે જોઈને લખવા નથી, નહીં તો અટવાશો। એટલે અહીંયા જે વર્ષ છે એ વર્ષ 5 વર્ષ છે, અને સૂચનામાં પણ આપેલા છે 5
वर्षना सरेराश नफा एटले पांच। आम 390,000 भाग्या पांच करता 78,000 रुपया सरेराश नफो मळशे। चार पछी बीजो स्टेप छे पागड़ी। पागड़ी बराबर सरेराश नफो जे हमणा आपणे ऊपर गुणाकार कर्यो छे ते सरेराश नफो गुणिया पागड़ीनी खरीदीना वर्ष। सरेराश नफो 78,000, पागड़ीनी खरीदीना वर्ष। आ एक सौथी वधारे महत्वनी बाबत कि आ चार वर्ष अहींयाथी लखवाना नथी पण सूचनामां जोवानुं खरीदीना वर्ष आपेला छे। पागड़ीनी खरीदीना वर्ष केटला आपेला छे? चार। तो ये चार वर्ष छे, अहींया चार तमारे गुणवाना छे। आम 78,000 गुणिया चार एटले 312,000 रुपया आवशे पागड़ी। तो मित्रों आ रीते आ एक प्रथम पद्धति ने मैं तमने समझ आपी। स्वाध्यायनी अंदर उदाहरणनी अंदर जे आ पद्धति आधारित दाखला हशे ते तमारे प्रेक्टिस करवी। थैंक यू।